हेलो गाइस, आज एक्चुअली हम मिल रहे हैं काफ़ी टाइम बाद। एक्चुअली कोविड पॉजिटिव था मैं, तो इस वजह से काफ़ी टाइम से आई थिंक वीडियोस भी नहीं आ रहे थे, और उस सिचुएशन में भी नहीं थे कि वीडियो बना पाए या कुछ कर पाए। तो आज हमने कुछ हमें ऑफिशियल काम भी है और वैसे भी, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम जाते हैं नैनीताल। कुछ ऑफिशियल काम है वो भी हमें निपटाना था, तो मैंने कहा ऑफिस का काम भी हो जाएगा और साथ साथ में जो है हमारी एक छोटा सा टूर भी हो जाएगा, तो वो हम करते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो अभी हम चलेंगे नैनीताल, देन वहाँ जाके देखते हैं क्या कैसे रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, कैसे एंट्री हो पाती है, क्या रहता है, क्या सिचुएशन। तो अब की बार हमने क्या है, अब की बार हमने थोड़ा सा सोचा जिस हिसाब से कोविड और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उस हिसाब से हमें बाइक से नहीं, हमें गाड़ी से जाना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे बोल रहे हैं डॉक्टर्स और सारी जो भी मेडिकल टीम्स है कि इस बार थोड़ा सा हवा में भी वो हो रही है, तो इस वजह से मास्क भी हमने हैं। अभी यहाँ पे हम बिल्कुल दूर हैं, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने मास्क भी हटाया। तो इसलिए हम अब की बार जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो अभी की बार हम जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो से। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, अंदर हमारे दोस्त हैं बैठे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नैनीताल जाएंगे, देखते हैं रास्ते में कैसे रहता है, क्या क्या रहता है, जैसे जो अपडेट होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय। अभी हम रुक गए हैं कुछ खाने के लिए। ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी का ये हाल हो रखा है जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं पे स्मगलिंग के लिए। देखो ठाकुर साहब ने क्या हाल कर रखा है गाड़ी का दिखाते हैं। ये देखो चिप्स नमकीन और ये आ गई हैं। ये भाई क्या क्या लेके आ गए हैं, भाई क्या क्या है ये? चॉकलेट, ये ट्रे भी ले जाए साथ में। अच्छा वापसी देनी है भाई, ये लो जिसने जो मांगा था चॉकलेट। हाँ ये कौन सा है? ये कोल्ड कॉफी दो ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब ये तुम्हारा पाइप, पैप ले लो पैप, ये तुम्हारा पैप भैया, इनको हटाओ, ये हमारा पैप और टिश्यू पेपर भैया लो, नहीं तो ट्रे हम घर ले जाएंगे। छोड़ दो, बैलेंस कर दिया भाई, बैलेंस प्रॉपर बैलेंस भाई। अगर ये गिर गई है तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, पैसे हमारे से मत लेना। तो इनके यहाँ बंदे ही नहीं है भाई, देखा बंदे बंदे ही बड़े कम है भाई, बंदे ही नहीं है भाई, बंदे कम आ रहे हैं आपके यहाँ पे बनाने बनाने वाले। एक दो मैनेजर बाबू, बर्गर किंग के मैनेजर साहब, भाई बंदे ही बड़े कम है, देखो पूरा खाली पड़ा है। कोविड में देखो क्या ही सिचुएशन चल रही है, ठीक है भाई। अभी कितने बंदे आ रहे हैं भाई टोटल आपके यहाँ? हैं तीन ही चार बंदे आ रहे हैं, और पहले कितने आते थे? पहले बंदे आते थे 15 से 20, अभी बंदे आते हैं 3 से 4, इतना बुरा हाल है। कोविड में भाई साहब सबकी बैंड बजा रखती है, बहुत बुरा हाल कर रखा है। बैठे कस्टमर भी नहीं, ना स्टाफ है, ना कस्टमर है, ना कोई है। तो भैया कोविड क्या करके मानेंगे? तो भाई अभी हम रास्ते में रुके हैं कुछ खाने के लिए, ड्राइव थ्रू पे अपना बर्गर किंग। तो यहाँ पे भी भाई साहब कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा, कोरोना ने इतना बुरा हाल कर रखा है, मतलब लोगों की जॉब तक जा चुकी है। जहाँ पे यहाँ पे बर्गर किंग में जो है वो तकरीबन 15 से 20 बंदे जो है वो 25 बंदे जो काम करते थे, अभी सिर्फ 3 या 4 बंदे हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी सबको अभी निकाल दिया गया है। ये सिचुएशन है अभी, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है यार, बहुत बुरे हाल है। क्या क्या मतलब देखना पड़ेगा, वो क्या क्या वो क्या ही सिचुएशन आ गई है हमारे भाई।
हो गया दोस्त। सर इसमें चिकन वॉफर लार्ज फ्राइज और इसमें आपके पनीर तीन, बस तीन पीस प्लेट है जो जितने मेज थे जो अभी बाद में ऑर्डर दिया था वो वाला, तो वो भी कर रहे हैं बाकी आपका सारा। ठीक है तो ये शीशा सर, ये मांसाहारी लोगों के लिए, ये हमारे जैसे देसी तो शाकाहारी लोगों के लिए, इसमें से एक ठाकुर साहब को देखो, ये हिंदुओं का ये कृष्णों का है। हाँ ये हमारे मांसाहारी आदि भैया तीन बर्गर हो रहे हैं, वो तुमने बाद में ऑर्डर दिया है तो वो बोल रहे हैं कि अभी बाद में आएंगे, तो आते ले ले वापसी में। हाँ ठाकुर वापसी में ले ले आते हुए। हाँ वापसी में लेंगे भाई, अभी लेके चल रहे हैं। हाँ अभी या वापसी में आते हुए? वापसी में बहुत परसों दे देना साले, अभी मानो अभी से लग गया, रुक तो जा दो मिनट ना। नहीं भाई बिना खाने के तो ठाकुर रही नहीं। वो बहन जो कितना बड़ा बर्गर है, मजा आ गया। मैं तो अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों रामपुर, ये रामपुर है जहाँ नैनीताल जाते हैं, तो बीच में रामपुर पड़ता है, तो थोड़ा फास्ट फूड खाने के बाद वहाँ पे बर्गर वगैरह, तो थोड़ा हमने सोचा कि कुछ जूस वगैरह पी लें। तो ये एक छोटू हमें मिला है, ये ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस हमारे लिए बना रहा है, तो जूस पीते हैं तो चलते हैं आगे नैनीताल की तरफ। तो बड़ा खुला खुला सा माहौल है, अच्छी जगह है, रामपुर विकास प्राधिकरण। हमें रामपुर विकास प्राधिकरण में हमारे जो दोस्त हैं ठाकुर साहब को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, इन्होंने बर्गर ज़्यादा खा लिए शायद। तो ठाकुर साहब के लिए स्पेशल हम स्पेशल जूस बनवा रहे हैं गन्ने का। ठाकुर अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये सातताल जो की तरफ जो रोड जाता है, सातताल की तरफ जो रोड है उस रोड पे ही है ये, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ से व्यू भी, थोड़ा सा भी लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो सुबह आपको प्रॉपर दिखाते हैं यहाँ पे कैसा व्यू है, कैसी जगह है, क्या है चीज़ें। ठीक है अभी आराम करते हैं, सुबह आपसे मिलते हैं।